प्राइम हो गया नाराज, एसी भी बंद हो गया ना और टीवी भी बंद हो गया। और ये जी आमना यहाँ आपने खानी खानी है, आपने खानी है डिश औरतों के यही काम होते हैं, सारे देख के ग्रहण करने पसंद नहीं आता और लेकिन मैं आपसे इस बार बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ जो आपने फुर्ती दिखाई है। अच्छा मुझे जाते गई हूँ, मुझे ना ड्रेस पसंद है। सामने अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज तीसरा दिन है, यकीन करेंगे हेल्पर नहीं आ रही है, यकीन करेंगे इतनी मेरी तबीयत। आज सुबह मैं उठी हूँ तो थकावट की वजह से मेरे सर में इतनी दर्द हो रही थी, फिर जी मैंने मेडिसिन ली और फिर माशाल्लाह से शुरू हो गए और उस टाइम के लगे हुए हैं और अभी तक काम एक तो ख़त्म नहीं होता। दूसरा मैंने बच्चों की शॉपिंग के लिए जाना था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आमना के और मुकद्दस के ईद के कपड़े जो फर्स्ट डे का ड्रेस रह गया मुकद्दस का, तो मैंने अभी कोई भी नहीं था लिया, बस दो ही लूँगी। ऐसे फैंसी होता ना ड्रेस, मेरा दिल लगे दोनों के इस तरह के लिए, ठीक है। तो आज ही मुझे जाना है बाय। और मेरी जी फिजा से भी बात हुई है तो वो भी कह रही है कि मैंने भी जाना है शॉपिंग के लिए, तो अगर वो आई हमारे घर तो अगर हम भी इकट्ठे गए शॉपिंग के लिए, शायद मैं उनको वहीं से, क्योंकि ना बिल्कुल यूनिवर्सिटी रोड के साथ ही अम्मी का घर है, तो शायद मैं वहीं से उन्हें पिक कर लूँ, क्या पता वो इधर आए तो फिर हम मिल के तो इकट्ठे जाएंगे लेने के लिए कपड़े, ठीक है। तो जैसे जैसे क्लिप शूट करती जाऊँगी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी, तो जी आपने वीडियो में मेरे साथ रहना। ये जी मैंने अम्मी को लगा दिया और अब आमना की बारी है और इब्राहिम साथ खड़ा हो रहा हुआ देख रहा है ये इसके हालात चेक करें। और आप ये आमना को लगाऊंगी तकरीबन दो घंटे के लिए, इसकी भी लगी रहेगी, फिर उसके बाद इसको शावर दे दूंगी। आप जी अपने बच्चों के बालों में आराम से इसे लगा सकते हैं, ऑयलिंग किया करें बच्चों के बालों में, उनकी डाइट ज़रा अच्छी करें, दूध दें, अंडा दें, ड्राई फ्रूट वगैरह दिया करें, फ्रूट दिया करें और साथ में अच्छी प्रोडक्ट के साथ ना उनके बालों की केयर किया करें। जी लाइट हमारी चली गई है और इब्राहिम हो गया नाराज़, एसी भी बंद हो गया ना और टीवी भी बंद हो गया। और ये जी आमना यहाँ पे जी मेहंदी, ये जी टाइम नहीं था पास हो रहा, मेरा दिल दहक के दो एक घंटे के लिए ना लाजमी इसकी मेहंदी लगी रहे, ठीक है। बालों के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। और बेशक आपका दो साल का भी बच्चा है ना तो बेशक आराम से आप लगा सकते हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। जी अम्मी की जो मेन तैयारी होती है, अम्मी ने भी जी बालों के ऊपर जगह जगह मेहंदी लगानी होती है। अच्छा यहाँ पे जी मैंने रात को ही मेहंदी भी भूखे रख दी थी और अम्मी के बालों पे भी अप्लाई कर दी थी और आमना को भी लगानी थी, अम्मी ने चेंज किया तो मैंने कहा चले मैं आपको लगा देती हूँ, ठीक है। चिल्ड्रन प्योर का न्यूली लॉन्च है ये समर ग्लो सिरम, बहुत अच्छा सिरम है समर्स के लिए, स्पेशली मैं दिन में लगाती हूँ और इसके पीछे लिखा हुआ है कि आप इसे दो दफ़ा लगा सकते हैं फेस वॉश करने के बाद। नॉर्मल आप फेस वॉश यूज़ करते हैं, वो क्लिनजर यूज़ करते हैं, अपनी प्रॉपर मतलब जो वॉशेबल स्किन केयर होती है वो सारी करने के बाद आपने ये वाला सिरम लगाना है। ये स्कार्स को ट्रीट करता है, पोर्स को मिनिमाइज करता है और स्किन की रेडियंस और ग्लो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है स्किन को। अच्छा ये मॉइस्चराइज भी करता है और हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह से भी स्किन को बचाता है, ठीक है, जो हमारे ज़्यादातर दाग बन जाते हैं, ठीक है। वो अब मेरे काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं, अब आपको नजर मुकद्दस का फेस कितना माशाल्लाह से क्लियर हो गया। उसके बाद ये वाला प्रोडक्ट मैंने आपको बताया और एक दूसरा प्रोडक्ट जो है वो मेरा मोस्ट फेवरेट जो है इनका हाइलुरोनिक सीरम। अब आप देखेंगे कि हाइलुरोनिक सीरम तो आपने हमें दिखाया हुआ है लेकिन वो तो ऐसे पम्प पैकेजिंग में था, वो तो ऐसे सीरम की पैकेजिंग में था, ये ऐसी पैकेजिंग में क्यों है? ये है सीरम ही, ठीक है, फॉर्मूला भी इम्प्रूवड है और इसकी पैकेजिंग भी चेंज हुई है और ये पैकेजिंग मैं 1000 times प्रेफर करूंगी। पता है वो कितना लंबा सा उसका कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर फिर आपने वो सीरम की पैकेजिंग जो होती है, नहीं मैं इसको उस पर लाजमन प्रेफर करूंगी क्योंकि देखें वहां पे जर्म्स वगैरह लगने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। पहले ये बहुत इंटेंसली स्किन को हाइड्रेट करता है, मतलब हाइलुरोनिक है, आपने फेस वॉश करना है, हल्के से डैम फेस के ऊपर से लगाना है और लोग दिन रात लगाते हैं, ठीक है, मैं ज्यादातर रात को लगाती हूँ, दिन को मैं कभी भी ज्यादा सीरम्स नहीं लगाती। अब मैंने जाके वो रेडियंस लगाना शुरू किया था, ठीक है, और फाइन लाइन्स और रिंकल्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है ये, एंटी एजिंग है स्किन के लिए,
आपके कॉलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, ठीक है। अब आप मुझे ये मत कहिएगा कि आप ही इतनी जल्दी एंटी एजिंग की क्या जरूरत आ गई। देखें, डी एजिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो फिलर्स वगैरह से ही हो सकती है, ये एंटी एजिंग है। वक्त से पहले करेंगे तब जाके कोई एंटी का इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, मुझे बताना है, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मामा अब आपसे मिलती हैं। कर लिए मामा की जान। ये जी इब्राहिम यहाँ पे खेर है, इनको शावर दिया अभी मैंने, और आमना को तकरीबन मैंने पूरे 3 घंटे नांदी लगाई थी, और 3 ही घंटे बाद ना मैंने इसको वॉश किए हैं इसके बाल। और इसके आप बालों की ज़रा चमक चेक करें, कोई यहाँ पे ऑयल नहीं है, कोई स्ट्रेट नहीं किए हुए अभी इसके बाल। आपको पता है स्ट्रेट गीले बाल स्ट्रेट नहीं होते हैं, ये देख लें, ये सारे इसके अभी ना गीले हैं बाल, ठीक हो गया। और हल्के हल्के से ड्राई, क्योंकि माशाल्लाह से हेल्दी हैं इसके बाल, तो ड्राई होने में भी काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो ये जी फ्लैश लाइट मैं ऑन कर रही हूँ, ठीक है। आप कलर इसका चेक कर लें, बिल्कुल वही सेम कॉपर सा कलर आया जो मुकद्दस के बालों पे आया था, कोई स्ट्रेट नहीं किए हैं यहाँ पे बाल, ये देख लें माशाल्लाह से इसके हेल्दी हैं बाल, और अभी ना इसके सारे के सारे गीले हैं, ये देख लें। मैंने कहा आपको एक दिखा देती हूँ, आप ये ना समझें कि भाई मैं फ्लैश लाइट ऑन करके तो जी चमकारियाँ शमकारियाँ मार रही हूँ, और ये जी अब मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब ये आमना के बाल ड्राई होंगे और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और सिल्की हुए हैं इसके बाल, ठीक है। 1:30 बजे ना इनको मैंने मेहंदी लगाई थी, और उसके बाद फिर हमने खाना खा लिया था। ये जी आमना इस टाइम पे थोड़े से फ्रेंच फ्राइज देती है, इब्राहिम नहीं खाता, ये बस स्टफ्ड टॉय के साथ अपनी शरारतें लगा हुआ है, ये देखें। ये यहाँ पे देखें शरारतें चल रही हैं, ये जी स्टोव ट्राई भी अब वॉश करने वाले हुए हैं, ये ऐसे खेलता रहता है तो वो ऐसे ना गंदे हो जाते हैं, मुझे मैले मैले से लगते हैं, फिर मैं वॉश करवा देती हूँ सारे के सारे, ठीक है। आमना इधर ले। अम्मी जी यहाँ पे दुआ कह रही हैं, असर की नमाज पढ़ ली अम्मी ने, और आज जी मुझे जाना है आमना के और मुकद्दस के कपड़े लेने के लिए भी, तो फिज़ा के साथ बना है प्रोग्राम, देखें फिर आप, उन्होंने भी जाना है, हमने कहा है कि चलें मिल के चलेंगे, अब देखते हैं साथ में कौन जाता है। मेरा दिल है बच्चों को ना लेके जाऊं, क्योंकि बच्चे ज़रा तंग करते हैं। शॉपिंग के लिए जाना है आज ही, हमने जाना है शॉपिंग पे, और फिजा ने भी करनी थी, मैंने भी जाना था बच्चों को अपने लेने, तो हमने कहा क्यों ना चले इकट्ठे मिलके चलते हैं। शनि को कोई काम था इसलिए वो नहीं आए हैं साथ, तो हमने कहा चले फिर हम दोनों मिलके चलते हैं। तो अब हम बस कुछ खाए पियेंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे शॉपिंग। और ये मलिक साहब भी आ गए, और इब्राहिम अपना पराठा खा के, और इसको जी आज मैंने टी शर्ट पहनाई है, सब मुझे कहते हैं कि आप उसको कॉलर वाले क्यों पहनाते हैं, गर्मी होती है, उसको टी शर्ट पहनाया करें, इधर ऊपर दिखाना, वो एसी बंद होने देगा तो उससे गर्मी लगेगी ना ये देखिए स्टडी कर रहा है, स्टडी कर रही है, इधर चले जाओ आके बैठा लो पिज़्ज़ा है बाबा से पूरा पराठा खाए आई नो जैसे कि आपको पता है कि ईद आ रही है, तो हालांकि मार्केट 11-12 बजे तक उन्होंने परमिशन दे दी है कि ओपन रहेगी, लेकिन लाइम लाइट जी हमारी 10 बजे बंद हो जाती है, तो यहाँ पे इसलिए हम सबसे पहले आ गए थे। मैंने कहा यहाँ से पहले चेक कर लेते हैं कि कोई कपड़ा हमें पसंद आता है या नहीं। अच्छा, फिज़ा भी साथ में थी और साथ में इब्राहिम और मलिक साहब थे। मैं और जी फिज़ा यहाँ पे कपड़े ही देख रहे थे कि कोई पसंद आ जाए। फिज़ा को तो कोई कपड़ा यहाँ पे पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे मुकद्दस के लिए एक सूट पसंद आ गया था। इंशाल्लाह ना उसके मैं जो दोनों सूट हैं वो एक दफ़ा बाय कर लूँ, और इंशाल्लाह उसके बाद ना मैं आपको वो दोनों के दोनों सूट दिखा दूँगी। पसंद को नहीं आया, क्योंकि यही काम होती है, सारे देख के ग्रैंड पहनने पसंद नहीं आता और लेकिन मैं आपसे इस बार बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ जो आपने फुर्ती दिखाई है अच्छा मुझे जाते क्योंकि मुझे ना ड्रेस पसंद आया सामने से,
और अल्लाह वाली साइड से देखे साइज भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हमारे पास ऊपर है तो वो फौरन से ले आए। हाँ, साइड में जो चीज अच्छी लगी होती है वही अच्छी है। नहीं, मैंने तो वो साथ में मुकद्दस का मैचिंग ड्रेस भी ले लिया था जी। और इंशाल्लाह फर्स्ट डे का आमना का और मुकद्दस दोनों का रह गया। आमना का भी मुझे पसंद को नहीं आया। फर्स्ट डे का भी रह गया दोनों का, मतलब फिर एक चक्कर लगेगा। चलें जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, बड़ा हमने एंजॉय किया जी। ऐसे ही घूमे फिरे हैं, लिया शिया कुछ नहीं है, लेकिन एंजॉय किया। ये भी एक फन होता है। चलें जी, बस आप घर भी आ गए जी, बिल्कुल पहुंचने वाले। अल्लाह हाफिज। असल में हमारा यहाँ आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन मुकद्दस की रोल नंबर स्लिप की हमने फ़ोटो कापी करवानी थी, तो हम काफ़ी जगह पे गए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ओपन होगी, लेकिन सभी शॉप्स बंद हो चुकी थी। और मलिक साहब को चमन आइसक्रीम नज़र आ गई थी, तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है जी आइसक्रीम। मुकद्दस को बहुत ज़्यादा पसंद है आमना को, लेकिन मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, और इब्राहिम को भी नहीं है पसंद। तो फिर जी यहाँ पर हम आए और ये आइसक्रीम खाई, और फिर जी मेरा गला ख़राब हो गया था। आमना को मेहंदी भी लगाई थी, अम्मी को भी लगाई थी, और उसके बाद जी माशाल्लाह से बहुत अच्छा इनकरना बालों का कलर आया है। और जैसे कि मैंने फाइनल शॉट भी आपके साथ शेयर किया है, और शॉपिंग के लिए गए थे। इस वीडियो में जितने मैंने प्रोडक्ट यूज किए उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। और अगर आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।